भारतीय साहित्य और ग्रंथ अपनी विविधता और समृद्धि के लिए जाना जाता है। यह हजारों वर्षों का इतिहास विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों में समेटे हुए हैं, जो आने वाली हर पीढ़ी को अपनी संस्कृति के बारे में शिक्षित करता है। हाल ही में रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोकन नामक तीन अमूल्य ग्रंथों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। जानकारी के मुताबिक यह फैसला 7 से 8 मई को मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक की 10वीं आम बैठक में लिया गया। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित यह महाकाव्य भगवान राम के जीवन और शिक्षा पर आधारित है। यह हिंदी साहित्य का एक रत्न माना जाता है और इसका भारत और दुनिया भर में गहरा प्रभाव रहा है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा रचित यह नीति कथाओं का संग्रह है। यह नैतिकता, जीवन मूल्यों और व्यवहारिक ज्ञान का स्रोत है। सदियों से इसका उपयोग शिक्षा और मनोरंजन दोनों के लिए किया जाता रहा है। सहृदय लोकलोकन आचार्य आनंद वर्धन द्वारा रचित यह संस्कृत साहित्य की आलोचना और सौंदर्य शास्त्र पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह रचनात्मकता और कला की समझ को विकसित करने में मदद करता है। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इन तीनों ग्रंथों का शामिल होना भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान की परंपरा का प्रतीक है। यह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा और उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़े रखने का कार्य करेगा। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर मानव की दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करने के लिए 1992 में यूनेस्को द्वारा शुरू की गई एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मूल्यों की दस्तावेजी सामग्री को संरक्षित करना है। यह रजिस्टर दो भागों में विभाजित है। पहला अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर, इसमें वे दस्तावेज शामिल हैं जो विश्व भर के लिए असाधारण महत्व रखते हैं। दूसरा क्षेत्रीय रजिस्टर, इसमें वे दस्तावेज शामिल हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र या संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर मानव की स्मृति को संरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान और समझ को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस रजिस्टर में विभिन्न प्रकार के ग्रंथों और दस्तावेजों को शामिल किया जाता है, जैसे कि लिखित सामग्री जिनमें पांडुलिपियाँ, किताबें, पत्र शामिल हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री यानी ऑडियो विजुअल मटेरियल जिनमें फिल्में, ऑडियो रिकॉर्डिंग, तस्वीरें आदि शामिल करी जाती हैं, मानचित्र और ड्राइंग में नक्शे, वस्तुकला चित्र, कलाकृतियां शामिल करी जाती हैं, साथ ही कुछ वेबसाइट और डेटाबेस भी शामिल होते हैं। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर केवल दस्तावेजों को सूचीबद्ध ही नहीं करता, बल्कि यह संरक्षण करने का काम भी करता है, जैसे कि ये दस्तावेजों के डिजिटलीकरण, क्षतिग्रस्त दस्तावेजों का मरम्मत करने के साथ साथ संरक्षणकर्ताओं को ट्रेनिंग देने का काम भी करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।